अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा आप लोगों के साथ जो टॉपिक है स्टडी करने के लिए वो है डेवलपमेंट ऑफ चिक। बच्चों, हम लोग सेकेंड ईयर की बायो का जो चैप्टर नंबर 19 है, ठीक है, उसको देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट्स में कैसे होती है, ठीक है। हम लोगों ने देखा चिक में कैसे होती है। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने डेवलपमेंट ऑफ चिक के बारे में बताया था कि इसकी कुछ स्टेजेस हैं, जैसा कि फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन है। तो फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन में क्या आ जाता है कि सबसे पहले तो देखें, फर्टिलाइजेशन होनी है, स्पर्म और एग उनका आपस में मिलना है, उनकी फ्यूजन है, ये फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है। फिर देन जाइगोट वगैरह बनता है। इनक्यूबेशन मैंने आप लोग को बताया था कि इनक्यूबेटर्स होते हैं, जिस तरह से रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो कूल करने के लिए, चीज़ों को ठंडा करने के लिए हम एक प्रॉपर पॉइंट सेट कर देते हैं उनका, जिस पे वो कूलिंग करते रहते हैं, चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। इसी तरह से इनक्यूबेटर्स होते हैं, इनका क्या काम होता है कि टम्परेचर देना, वो एक टम्परेचर जो किसी चीज़ को चाहिए है, हमने जैसे कि सीड को ग्रो करवाना है या कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके लिए हमें टम्परेचर चाहिए है, और टेम्परेचर की एक वो हमें क्वांटिटी का पता होता है कि कितनी होगी। और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि चिक का जो एम्ब्रियो है उसको जो दी जाती है नेक्स्ट टेम्परेचर दिया जाता है, वो दिया जाता है 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड का, 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उस इनक्यूबेटर में सेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब जब उनको 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट किया जाता है, तो फिर वो जब 21 डेज हो जाते हैं, तो उसके बाद उन वो हम कह सकते हैं कि चिक फॉर्मेशन मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। और एग हेच होता है और एक जो है चिक उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट लेवल पे होती है। अब जब फर्टिलाइजेशन और इनक्यूबेशन होती है, उसके बाद स्टेप आता है क्लीवेज का। क्लीवेज देखें, नाम से ये हमें पता है कि इसमें क्या होता है कि जो मैसेज ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एग है, ठीक है, उसमें माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं और वहाँ पे बन जाता है, माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं और वहाँ पे बहुत सारे हम कह सकते हैं कि सेल्स बन जाते हैं, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि डिस्कॉइडल क्लीवेज क्या होती है। अब क्लीवेज के बाद नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है मोरूला की, ठीक है। जब क्लीवेज हो गई तो उसके नतीजे में राउंडेड और क्लोजली पैक मैस बनता है, किसका, ब्लास्टोमर्स का, ठीक है, ब्लास्टोमर्स। अब जब हो जाएगी क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज से क्लोजली पैक राउंडेड, राउंडेड क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड मैसेज ऑफ सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स। अब ये ब्लास्टोमर्स ही क्या है, मरूला है, ठीक है। याद रखें, जो बना था क्लीविज के नतीजे में ब्लास्टोमर, इसको क्या कहते हैं, मरूला कहते हैं, ठीक है, ये होता है मरूला। अब मरूला क्या होता है, डिस्क शेप मैसेज ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक या दो लेयर्स होती है सेल की थिकनेस की, ठीक है, और ये बिल्कुल योक के करीब तरीन होता है, ठीक है। मरूला जब क्लीवेज की स्टेज ख़त्म हो गई, देन बन जाते हैं बहुत से क्लोजली पैक्ड राउंडेड, ठीक है, ब्लास्टोमर्स बन जाते हैं। इन ब्लास्टोमर्स को कहते हैं मरूला, ठीक है। मरूला होते हैं डिस्क लाइक या डिस्क डिस्क शेप, ठीक है, डिस्क शेप मैसेज ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिनकी जो थिकनेस होती है, जिनकी थिकनेस है 1 और 2 लेयर्स ऑफ सेल, ठीक है। जिस तरह से देखें, हम कहते हैं ना कि ये 1 लेयर थिक है, ये हमने बना दी, ये हो गया 2 लेयर, इसकी अब थिकनेस ज़्यादा हो गई, ठीक है, जब ये इस फॉर्म में था तो इसकी थिकनेस कम थी, ठीक है, जैसे चीज़ों की मोटाई। अब ये जो मरूला होता है, ये होता है डिस्क शेप मैसेज, ठीक है, और जिसमें सेल्स की लेयर होती हैं 2 आर मोर लेयर्स, ठीक है,
वन आर टू आर मोर लेयर्स, ठीक है, ये होती हैं, हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जो लेयर्स आ जाती हैं सेल्स की, ठीक है, और वो उनको क्या कर देती हैं, उसकी मोटाई में इजाफा कर देती हैं, ठीक है, मोरूला की हम बात कर रहे थे, ठीक है, और ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो यॉक होती है उसके करीब होता है, ठीक है। अगर हम ब्लास्टोडर्म, जो कि ब्लास्टो, हमने कहा कि ब्लास्टोमज थे, ठीक है, जो ब्लास्टोडर्म है इसके सेंटर में क्या होता है कि सेल्स स्मॉलर होते हैं, ठीक है, और कम्प्लीटली डिफाइंड होते हैं। याद रखें कि जो ब्लास्टोडर्म होती है उसके सेंटर में जो सेल्स आ जाते हैं वो कम्प्लीटली डिफाइंड होते हैं और स्मॉलर होते हैं, ठीक है, और जो साइडों पे होते हैं दोज एट पेरिफेरी, ठीक है, वो फ्लैटेंड होते हैं और लार्जर होते हैं। ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म लेयर का नाम है, ठीक है। ब्लास्टोमज जब क्लीवेज ख़त्म हो गई, राउंडेड क्लोजली पैक मैसेज सेल्स के बन गए, जिसको हम नाम दिया ब्लास्टोमज का, ब्लास्टोमर ही होता है मरूला, ठीक है। मरूला क्या है, डिस्क शेप के जो सेल्स होते हैं जिसकी जो थिकनेस होती है टू आर मोर लेयर्स होती हैं उसमें सेल्स की, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मरूला के बारे में, तो मरूला में हमने ये देखा है कि जो ये बिल्कुल यॉक के करीब तीन होता है, ठीक है, और जो ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म है ब्लास्टोमर की लेयर, ठीक है, ब्लास्टोडर्म के सेंटर में जो सेल्स आ जाते हैं वो होते हैं स्मॉलर और कम्प्लीटली डिफाइंड, लेकिन जो पेरिफेरी पे आते हैं वो होते हैं फ्लैटेंड और लार्जर। मुझे नेक्स्ट आ जाता है ब्लास्टूला, ठीक है, ब्लास्टूला। अब ये याद रखें कि जो मरूला स्टेज है ये शॉर्ट लिविंग होती है, शॉर्ट लिविंग स्टेज होती है, ठीक है। इस शॉर्ट लिविंग स्टेज के बाद नेक्स्ट बनता है ब्लास्टूला, ठीक है। जल्दी ही हम कह सकते हैं कि मरूला स्टेज शॉर्ट लिविंग होती है और सून इट चेंजेस इनटू ब्लास्टूला, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो होती है ना सेगमेंटेशन कैविटी या ब्लास्टोसील, ठीक है, इसको ब्लास्टूला इसलिए कहते हैं कि इसमें देखिए ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील कैविटी बन जाती है, ठीक है। इसमें ब्लास्टूला में क्या होता है कि सेगमेंटेशन कैविटी या ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो डिस्कॉइडल कैप सेल्स की होती है इसमें क्या होता है कि जो ब्लास्टोसील से अबव होते हैं उसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म, ठीक है। ब्लास्टोसील से अबव जो आ जाती है लेयर, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म, और जो मार्जिनल एरिया होते हैं ब्लास्टोडर्म के जिनमें सेल्स जॉक से बिल्कुल अनडिटैच रहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन, ठीक है, जोन ऑफ जंक्शन। हमने क्या देखा है ब्लास्टूला, ब्लास्टूला को हमने ये कहा है कि शॉर्ट लिविंग स्टेज होती है और जल्दी ही इससे ब्लास्टूला बन जाता है, ठीक है। इसको ब्लास्टूला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सेगमेंटेशन कैविटी होती है या ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लास्टोसील बन जाती है, ठीक है। अब जो ब्लास्टोसील से ऊपर जो बन जाते हैं ना, जिस तरह से हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ठीक है ये बन जाती है। अब ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील इसको हम नाम देते हैं ब्लास्टूला का, ये होती है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील से अबव ऊपर की तरफ, ठीक है, जो सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, मार्जिनल एरिया के सेल्स आ जाते हैं वो यॉक से साइड में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इधर जो अबव सेल्स हैं, ठीक है, वो उससे बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, उसको हम नाम दे देंगे जोन ऑफ जंक्शन का, ठीक है, जोन ऑफ जंक्शन का नाम दे देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है या स्टेज जो आती है वो आती है गैस्ट्रुलेशन की। अब गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होती है और रीअरेंजमेंट सेल की होती है एम्ब्रियो में, ठीक है, याद रखें मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल इन एम्ब्रियो में।
कि एम्ब्रियो में मूवमेंट और रीअरेंजमेंट होती है सेल्स की, इस स्टेज को हम कहते हैं गैस्ट्रोलेशन। अब गैस्ट्रोलेशन में क्या होता है कि ब्लास्टोडर्म की दो लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। जो ब्लास्टोडर्म बनी थी, या ये जो हमने यहाँ पे देखा था कि ब्लास्टोडर्म बन जाती है, ठीक है, तो ब्लास्टोडर्म की जो गैस्ट्रोलेशन है, इसमें ब्लास्टोडर्म की दो लेयर्स बन जाती हैं। एक होती है एपिब्लास्ट और दूसरी होती है हाइपोब्लास्ट, ठीक है, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब एपिब्लास्ट होती है अपर लेयर ऑफ सेल, ठीक है, अपर लेयर ऑफ सेल, और हाइपोब्लास्ट होती है लोअर लेयर ऑफ सेल। ये आ जाती है ब्लास्टोडर्म। गैस्ट्रोलेशन की हम बात करें तो गैस्ट्रोलेशन में क्या होता है, इट इज़ करेक्टराइज बाय मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल इन एम्ब्रियो, ठीक है। अब इस स्टेज में और क्या होता है कि जो ब्लास्टोडर्म होती है, ब्लास्टोडर्म इसकी दो लेयर्स बनती हैं, ठीक है, एक होती है एपिब्लास्ट और दूसरी होती है हाइपोब्लास्ट, ठीक है। एपिब्लास्ट होती है अपर लेयर ऑफ सेल, हाइपोब्लास्ट होती है लोअर लेयर ऑफ सेल। अब ये याद रखें कि जो एपिब्लास्ट होती है वो बनाती है एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। बच्चे देखें, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये जो किंगडम एनिमेलिया था उसमें उनके पढ़ी थी के बॉडी की लेयर्स के हवाले से, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लो में थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, थ्री लेयर्स होती हैं बॉडी की, बॉडी कैविटी की। इसी तरह से डिप्लोब्लास्टिक में टू लेयर्स होती हैं बॉडी की, ठीक है। अब जो आ जाती है एपिब्लास्ट, उसमें दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, सॉरी अपर लेयर होती है और ये बनाती है प्रिज़म्प्टिव एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, और हाइपोब्लास्टी है एंडोडर्म, ठीक है, हाइपोब्लास्ट बनाती है एंडोडर्म को, ये बनाती है प्रिज़म्प्टिव एंडोडर्म को, ठीक है। क्योंकि जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं आउटवर्ड या की तरफ, ठीक है, और फिर डाउनवर्ड मूव करते हैं एंडोडर्मल लाइनिंग जो होती है उसकी तरफ। इस वजह से हम कहते हैं कि हाइपोब्लास्ट बनाती है प्रिज़म्प्टिव एंडोडर्म, ठीक है। इस स्टेज में जो सेंट्रल सेल्स होते हैं ब्लास्टोडर्म के, वो भी सेपरेट हो जाते हैं यॉक से, ठीक है, और जो सेंट्रल सेल्स होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि फ्लूइड डेवलप होता है, वो यॉक से रेज होते हैं और एक एरिया बनाते हैं ट्रांसलूकेंट, जिसको हम कहते हैं एरिया पैलुसिडा, एरिया पैलुसिडा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बात की है कि जब ये जो सेल्स होते हैं ब्लास्टोडर्म के, ये सेपरेट होते हैं यॉक से, ठीक है, और वहाँ पे सेंट्रल में से जो सेल्स के सेंटर हैं वहाँ से फ्लूइड डेवलप होता है जो यॉक को क्या करता है, रेज करता है, ठीक है, यॉक से रेज कर लिए जाते हैं वो सेल्स, और इस एरिया को जो कि ट्रांसलूकेंट अपीयरेंस का होता है उसको हम कहते हैं एरिया पैलुसिडा, ठीक है। और जो पेरिफेरल पार्ट, जो साइडों वाले पार्ट होते हैं ब्लास्टोडर्म के, जहाँ पे सेल्स अनसेपरेट होते हैं यॉक से, उसको हम कहते हैं एरिया ओपाका, ठीक है, जहाँ पे होते हैं सेल्स यॉक से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, अनसेपरेट रहते हैं यॉक से, उसको हम कहते हैं एरिया ओपाका। और जो वाइट एरिया होता है वो क्या करता है, लाइट को ट्रांसमिट करता है। अपर लेयर ब्लास्टोडर्म की वो प्रिज़म्प्टिव मीजोडर्म, और वही बात के एक्टोडर्म एंडोडर्म जो होती है एक्टोडर्म उसको उसकी फॉर्मेशन करती है। बच्चे आज हम लोगों ने ये डेवलपमेंट ऑफ चिक की स्टेजेस को देखा है, ठीक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसमें हम नोटोकार्ड और उसकी मीजोडर्म की फॉर्मेशन को देखेंगे, न्यूरोलेशन को देखेंगे, ठीक है। अभी आज आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक है, बुक से कंसल्ट कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।